हाँ, तो कंडीशन ऑफ एडियाबेटिक चेंज में क्या बोलेंगे आप? जैसे आइसोथर्मल चेंज का आपको समझ आ गया था कि वॉल्स क्या है, हाईली कंडक्टिंग है, प्रोसेस स्लो है, तो इसमें उल्टा है। पहला क्या है, वॉल्स आर एडियाबेटिक, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, डायाथर्मिक वॉल नहीं चलेंगी। वॉल्स कैसी होनी चाहिए? एडियाबेटिक होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोसेस शुड बी रैपिड या प्रोसेस शुड बी फास्ट, तो टाइम ही ना मिले, ठीक है ना। प्रोसेस शुड बी फास्ट, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, स्पीडी प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका एडियाबेटिक चेंज कहलाएगा वो। तो कई बार ऐसे लिख सकता है प्रोसेस फास्ट है या प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो है, तो ये हिंट होता है उसका, क्योंकि पहचान में आ गया अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, काफी चीजें तो निकल ही, सारी चीज निकल जाती है, ठीक है। कई बार इसमें डाउट ना आए इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसके कंडीशंस के मीनिंग, क्लियर है। तो लाओ आप प्रूफ कर देते हैं एक बार। प्रूफ ऑफ पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखो कैसे कर रखा है। प्रूफ ऑफ पी वी गामा से एडियाबेटिक खत्म हो प्रोसेस, हम आगे बढ़े फिर। प्रूफ ऑफ पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आपने ये बोला कि डी क्यू इक्वल टू जीरो है, ये डेफिनेशन है इसकी। तो डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर आ गया, माइनस डी डब्ल्यू के बराबर आ गया, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ कि डी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, माइनस एन सी वी डी टी के बराबर हो गया। डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, किसी भी स्मॉल टेम्परेचर चेंज में अगर डी वी वॉल्यूम चेंज है, ठीक है, तो प्रेशर वर्क डन कितना होगा, पी इंटू डी वी होगा। तो यहाँ से डी टी में कितना लिख दे रहा हूँ, माइनस पी डी वी अपॉन एन सी वी। देखो एक बार, क्लियर है आपको, ये मैंने डी टी लिख लिया। एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन जो है उसका यूज करते हुए और फर्स्ट लॉ लगाते हुए मैंने ये डी टी को लिख दिया। डी टी को मैं एक तरह से और रखूंगा आइडियल गैस से और इक्वेट कर दूंगा बस, ठीक है। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस, कई तरीके से हो सकता है, ये थोड़ा समझ में आ जाता है जल्दी, इसलिए मैं ही बताऊँ। पहले हमने क्या किया, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के प्रूफ के लिए कि डी क्यू इक्वल टू जीरो डेफिनेशन है, और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा दिया। अब मैं लिख रहा हूँ आपको आइडियल गैस से, लिख रहा हूँ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, पी वी डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी पी बाई डी टी इक्वल टू एन आर, ठीक है। तो डी टी कितना आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर आ जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दो तरह से डी टी लिख लिया, एक तो मैंने फर्स्ट लॉ लगाते हुए और एक आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा वैलिड रहती है, तो दोनों चीजों का यूज कर लिया, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो का भी और आइडियल गैस का भी। अब कुछ ज्यादा है नहीं, बस यही चीजें हैं, ठीक है ना। तो बस अब आप इन दोनों डी टीज को इक्वेट कर दो, तो कितना आ गया, माइनस पी डी वी अपॉन एन सी वी इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर। देखो आर तो कट गया, ठीक है ना, आर तो कट गया, ये बन जाता है माइनस पी आर डी वी, सी वी उधर ले गया मैं, सी वी इंटू वी इंटू डी पी। अब कर दो इसको आप, क्या बन गया, पी डी वी, पी डी वी कहाँ है आपका, ये रहा, और पी डी वी कहाँ है यहाँ पर, तो उसको उधर ले जाओ, सी वी प्लस आर बन जाएगा, सी वी प्लस आर, और वो रह जाएगा वी इंटू सी वी इंटू डी पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये आपको पता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर होता है सी पी माइनस सी वी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया सी पी इंटू पी डी वी प्लस वी इंटू सी वी इक्वल टू डी पी, ठीक है। अब सी वी से डिवाइड कर दो इसको, तो सी पी बाई सी वी क्या है, गामा ई तो कहलाता है आपका, गामा ई, तो अब उसके फॉर्म में लाना है ना, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ तक तो रिलेशन तो कुछ भी आ गया यहाँ से, बट याद कर रहा है हमने उसको, तो उस फॉर्म में प्रूफ कर रहे हैं अपन। कभी आपके स्कूल वाले कोई पूछ लेता हो तो भी आप लिख सकते हैं उसको, बिल्कुल सिंपल है, एक बार ध्यान रख लेंगे। तो पहले डी क्यू इक्वल टू जीरो और फर्स्ट लॉ,
और सेकंड मैंने आपका आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी है बस, ठीक है। तो यहाँ पर इस सीपी बाई सीवी को लिख दिया गामा, तो गामा पी डीवी प्लस वी इंटू डीपी इक्वल टू जीरो। गामा पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू जीरो आ गया। तो आप पीवी से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है ना। पीवी से डिवाइड कर दीजिए, डीवी प्लस डीपी अपॉन पी इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, गामा इंटीग्रेशन डीवी प्लस इंटीग्रेशन डीपी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे या बाद में रखते हैं कांस्टेंट, है ना। पहले ऐसे लिख दो और अब आप इसको रख दो, मैंने 3.5 बोला था, अभी आगे जाते। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, गामा एल एन वी प्लस एल एन पी इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया ये देखो, ये बन गया आपका एल एन पी वी गामा, नहीं, ऐसे नहीं, गामा एल एन वी प्लस एल एन पी, अब कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया है आपने। तो एल एन पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या निकल के आ गया, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आ गया। ये बहुत ही सिंपल वे में आपका प्रूफ हो गया कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पी वी इक्वल टू गाम पी वी रेस्ट टू पावर गामा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये प्रूफ सबको आ गया होगा, बहुत सिंपल प्रूफ है, किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। एडियाबेटिक कंडीशन और आइडियल गैस का यूज करते हुए प्रूफ कर दिया गया है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है।